आते हैं फल उन वृक्षों पर जो उन्हें खाते हैं। छा जहाँ मिलती औरों को छत्र वहां छाते हैं। फल यानी कवि ये कहना चाह रहे कि फल उन्हीं पेड़ों पर आते हैं जो उन्हें नहीं खाते, यानी पेड़ जब फल देते हैं तो वे स्वयं उन फलों को नहीं खाते हैं, वे दूसरों को देकर उन पर उपकार करते हैं। छा जहाँ मिलती औरों को छत्र वहां छाते, छत्र यानी छतरी। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि छाया भी वही मिलती है लोगों को जिस पेड़ की शाखाएं छतरी के समान झुकी हुई होती है, यानी पेड़ जितना ज्यादा झुका रहता है उतनी ही छाया देता है। इसी तरह अगर इंसान अपने जीवन में जितना ज्यादा झुकता है वे भी पेड़ के समान दूसरों को सामने परोपकारी बन जाएगा। गाते हैं जो लोग कभी अपने न गीत गाते हैं। यहाँ पर कवि कहना चाह रहे कि जो लोग गीत गुनगुनाते हैं वे स्वयं के गीत नहीं होते हैं, वो हमेशा दूसरों के गाए हुए गीत होते हैं जिसे लोग हमेशा गुनगुनाया करते हैं। हेम हिमावत कब अपने हित हिम आतप सहता है। हेम यानी सोना, हिमावत यानी बर्फ, हिम यानी बर्फ, आतप यानी तपना। यहाँ पर कवि ये कहना चाह रहे कि सोना जितना ज्यादा आग में तपता है उतना ज्यादा चमकता है, और बर्फ जब पिघलती है तब वे पानी बनके हमारी प्यास को बुझाती है। यानी यहाँ पर कवि का इंसान से ये कहना है कि वो जीवन में जितना ज्यादा मेहनत करेगा तभी वे सोने और बर्फ के समान महत्वपूर्ण बन सकेगा, वरना वो जिंदगी के अंदर कुछ नहीं कर सकता। इसलिए कवि ये कहना चाह रहे हैं कि इंसान को बर्फ और सोने की तरह मेहनत करनी चाहिए ताकि वो आगे जाकर बहुत महत्वपूर्ण इंसान बन सके। सर्जित होते हैं मेघ विसर्जित कणकर पर होर जाने। यहाँ पर कवि सर्जित होते मेघ यानी जो बादल है वो एक होकर यानी एक निर्माण करते हैं, और फिर विसर्जित यानी अलग अलग होकर एक एक कण होकर वो आसमान से बारिश बनकर नीचे गिरने लगते हैं। वे जमीन में बरसने लगते हैं। इसी तरह सरिता कभी नहीं बहती अपनी प्यास बुझाने। सरिता यानी नदी। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि नदी जो है वो कभी स्वयं की प्यास बुझाने के लिए नहीं बहती है, वो हमेशा इंसानों को पानी देने के उनकी प्यास बुझाने के लिए हमेशा बहती रहती है, देती रहती है आधार धरा हमसे क्या पाने। देती रहती है आधार, आधार यानी जमीन जो हमारे रहने की जगह है, और धरा यानी धरती। यहाँ पर कवि ये कह रहे हैं कि धरती जो है वो हमें हमेशा रहने के लिए जमीन देती है ताकि हम उस पर अपना घर बनाकर रह सके। अपने लिए ना रत्नाकर का आंगन